नमस्कार, खेलते रहो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र सोलंकी। स्पॉट फिक्सिंग की टीज झेल रही राजस्थान टीम ने पहले ही मुकाबले में धमाका कर दिया। रॉयल्स के इरादे और तेवर देखकर तो यही लगा कि एक बार फिर से ये टीम कुछ कर गुजरने की हसरत लिए टूर्नामेंट में उतरी है। पहले मैच में रॉयल्स ने कैसे लिखी विजय गाथा, किसके खिलाफ देना है अब राजस्थान को अगला इम्तिहान, जानने के लिए शुरू करते हैं इंडियन एंटरटेनमेंट लीग। आईपीएल सीजन 7 की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स ने शानदार जीत के साथ की और मैदान पर जमकर हल्ला बोला। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में एक पल ऐसा लगा कि बाजी राजस्थान के हाथों से फिसल जाएगी, लेकिन राजस्थान के रणबांकुरों ने जीत अपनी मुट्ठी में कैद करके ही दम लिया। नहीं होने दिया हैदराबाद का सनराइज, मैदान पर हुआ रहाणे का राज और बिन्नी के बल्ले ने मचाया धमाल। आईपीएल सीजन 7 के अपने पहले ही मैच में रॉयल्स ने बता दिया कि वो इस सीजन में किन इरादों के साथ मैदान पर उतरे हैं। आंजिक के रहाणे और स्टुअर्ट बिन्नी की उम्दा पारियों के बाद आखिरी ओवर में जेम्स फॉकनर के दो चौकों की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले अपने गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के दम पर राजस्थान ने हैदराबाद को 20 ओवर में 6 विकेट पर 133 रनों पर रोक दिया। जवाब में राजस्थान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी और आखिरी ओवर तक मुकाबला बराबरी का था। राजस्थान को आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे और फॉल्कनर ने दूसरी और तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को 2 चौके लगाकर 3 गेंद और 4 विकेट रहते जीत दिला दी। रहाणे ने 35 गेंद में 6 चौकों की मदद से 59 रन बनाए, जबकि बिन्नी 32 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 48 रन बनाकर नाबाद रहे। हैदराबाद के लिए तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए, तो वहीं अमित मिश्रा ने भी 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए। भुवनेश्वर कुमार और ईशान शर्मा ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले हैदराबाद के लिए कप्तान शिखर धवन ने 34 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 38 रन बनाए। वहीं डेविड वार्नर ने 35 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। रॉयल्स के लिए धवल कुलकर्णी, केन रिचर्डसन और रजत भाटिया ने 4 ओवरों में 23, 25 और 22 रन देकर 2-2 विकेट लिए और आखिरी ओवर में बाजी रॉयल्स ने ही मारी। स्पोर्ट डेस्क, फर्स्ट इंडिया। तो राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल अंदाज में जीत दर्ज की। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि इस सीजन 7 में राजस्थान के रॉयल्स को कहां कहां, किससे और कब भिड़ना है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में 20 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब के साथ। तेईस अप्रैल को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के साथ। 26 अप्रैल को शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में रॉयल्स का मुकाबला रॉयल्स चैलेंजर्स के साथ है, तो वहीं 29 अप्रैल को शेख जायद स्टेडियम में ही नाइट राइडर के साथ राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत है। इसके अलावा 5 मई को सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत नाइट राइडर के साथ। 8 मई सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद और मुकाबला सनराइजर के साथ। 11 मई को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलोर में है, राजस्थान रॉयल्स का सीधा मुकाबला रॉयल चैलेंजर के साथ।
13 मई JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि रांची के अंदर है, राजस्थान रॉयल्स यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भिड़ने वाली है। 15 मई को अहमदाबाद के ही सरदार पटेल स्टेडियम में दिल्ली डेयर डेविल्स के साथ राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला है और 19 मई को सरदार पटेल स्टेडियम में ही मुंबई इंडियंस के साथ राजस्थान रॉयल्स भिड़ेगी। तो ये वो मुकाबले हम दिखा रहे हैं जो राजस्थान रॉयल्स के बाकी टीमों के साथ है, किंग्स 11 पंजाब के साथ 23 मई को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के अंदर राजस्थान रॉयल्स भिड़ने वाली है। 25 मई को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मुंबई इंडियंस के साथ राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा, यानी कि वो टीमें और कहां कहां राजस्थान रॉयल्स भिड़ने वाली है वो हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान ने टूर्नामेंट में जीत से आगाज तो कर लिया लेकिन अभी सफर बहुत लंबा है और दूसरा ही मुकाबला हाई वोल्टेज होने की उम्मीद है। वॉटसन एंड कंपनी की अगली भिड़ंत पंजाब के किंग्स से है जिन्होंने अपने पिछले मैच में धोनी के धुरंधरों को करारी हार परोसी। रॉयल्स ने किया जीत से आगाज, पहले ही मैच में रंग लाई वॉटसन की कप्तानी, लेकिन नहीं है आगे की राह आसान क्योंकि अगले मुकाबले के लिए प्रीति के किंग्स भी हैं तैयार। जी हां, राजस्थान रॉयल्स का अगला इम्तिहान रविवार को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ होगा और अभी से यही उम्मीद की जा रही है कि मुकाबला काफी हाई वोल्टेज होगा क्योंकि अपने पिछले मैच में पंजाब ने टूर्नामेंट की अब तक की सबसे मजबूत टीम चेन्नई सुपर किंग्स को धूल चटाई है। खुद कप्तान धोनी देखते ही रह गए कि आखिर कैसे जीत उनके हाथ से फिसल गई। 206 रन का टारगेट देने के बावजूद चेन्नई के गेंदबाज इस बड़े स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके। अगले मैच में राजस्थान को सबसे ज्यादा खतरा ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मिलर से होगा क्योंकि ये वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने सुपर किंग्स को भीगी बिल्ली बना दिया। मैक्सवेल ने जहां 95 रन की धुआंधार पारी खेली तो वहीं डेविड मिलर ने नाबाद 54 रन बनाए। वॉटसन एंड कंपनी को इन दो बल्लेबाजों से बचकर रहना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान के पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन पंजाब के खिलाफ सिर्फ रहाणे और बिन्नी के बल्ले चलने की बात नहीं बनेगी। टीम के बाकी खिलाड़ियों को भी रन बनाने होंगे। हैदराबाद के खिलाफ वॉटसन का बल्ला भले ही न चला हो लेकिन पंजाब के खिलाफ अगर जीत दर्ज करनी है तो वॉटसन को अपने ही स्टाइल में गेंदबाजी की वाट लगानी होगी। संजू सैमसन और ब्रेट हॉज भी टीम की बल्लेबाजी और मजबूत बनाते हैं। वहीं रॉयल्स को पंजाब के तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन से बचकर रहना होगा क्योंकि जॉनसन एक ऐसे गेंदबाज हैं जो अकेले पूरी टीम पर भारी पड़ सकते हैं। मतलब दोनों ही टीम इस वक्त फॉर्म में है और अगला मैच जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के रॉयल्स एक बार फिर हल्ला बोलते हैं या फिर पंजाब के किंग्स दहाड़ते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, फर्स्ट इंडिया। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 205 रन बनाने के बाद भी हार झेलने वाली चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी का कहना है कि T20 क्रिकेट की तस्वीर अब बदल चुकी है और अब 200 रन बनाकर भी जीत की गारंटी नहीं दी जा सकती। अपनी टीम के 100वें मैच में मिली हार से धोनी काफी निराश नजर आए। उनके मुताबिक बल्लेबाजों ने तो शानदार काम किया लेकिन गेंदबाज चूक गए। गेंदबाजों को हर खिलाड़ी के लिए अलग रणनीति बनाकर चलना चाहिए। IPL का नाम जुबा पर आए और क्रिस गेल ना याद आए, ऐसा होना जरा मुश्किल है। हाल ही में खत्म हुए T20 में भले ही वो कोई बड़ा धमाका ना कर सके हो लेकिन IPL में उनके बल्ले ने अब तक किसी गेंदबाज को नहीं बख्शा है। अनफिट होने के चलते गेल अभी अपना खेल नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आइए हम आपको याद दिलाते हैं कि पिछले सीजन में
कैसे गेल ने जड़ी थी पुणे वॉरियर्स के खिलाफ सबसे तेज T20 सेंचुरी। वाओ, दैट इज अ स्कॉर्चर। Biggest over of the tournament, 28 off it. Oh, he's got big, he's got huge. There is 20 rows back, and even the little stop for Murtaza didn't put Gale off. What an exhibition this is. Give me the ball, and Chris Gale says, that is where I will deposit it. Six more to mid-wicket. Terrific stuff. Out the ground. They'll go again. Oh, that's gone a long way. It's on the roof. No, it's not. Just into the stands. Oh, flat and hard. This time it will only be four. What a blow that is. Oh, this time it's a full toss. Oh, it's got the same treatment, you betcha. It's been nailed by Gale. What a display this is. Oh, what a way to finish the over. Number four. Oh, yes. Yes. Oh, it's as big as you get. That's the fastest IPL 100, T20 100, and the fastest T20 100 in the history of the game. And look at the celebration. गेल की सेंचुरी को भुलाना नामुमकिन है। इस सेंचुरी के बाद अब आपको दिखाते हैं कि अब तक IPL में कैसे आता रहा सिक्सर किंग गेल का तूफान। Oh, Gale's on the move now. Gale's on the move. Yes. Yes, bank. Maximum. Well, this time he goes bang down the ground. No outside edge there. That is straight from the middle of Chris Gale's bat. It leads to your point as to why the Mumbai Indians. Yeah, that is what he does. He just made room to play on the offside. Maybe a touch of cramp as well after hitting that big shot. Another flowing cover drive straight into the stands from Chris Gale. To Chris Gale. A short ball, and has he cleared the big man? He has. Kyron Pollard was the guy at long gone. It's a short ball that is flat batted straight towards long gone. Incredible. There you go. Six it is. Mumbai Indians, you got it right. All the way for six. Well, maybe the bell has tolled. 50 partnership, 53 from 49 deliveries. Six of them. Just enough, six more. Three in a row. Chris Gale. He brings up his 50 now. And his strike rate has gone within a couple of overs from around the mid 70s to 135. Well, once again, he's doing it for the Royal Challengers. Christopher Gale. Took a lot of time in the early part of the innings, and now he's 71 of just 49 balls, four fours and five sixes. Oh, wait for the umpire signal. Any more runs? It's a no ball, and it's gone the distance as well. Sure, and goodbye, good night. It's six more. Oh, what an end of China! Oh, fire in Babylon! This one is out of here! Oh, moosing it with the 50 up inside five, folks! Oh, the sexy Sunday! खेलते रहो में वक्त एक इंटरवल का है। इंटरवल के बाद आपको दिखाएंगे सीजन सिक्स अब तक जो हो चुके हैं उनके अनएक्सपेक्टेड कैचेस। आप देखते रहिए फर्स्ट इनिंग।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईपीएल में अब तक 6 सीजन गुजर चुके हैं और हर सीजन में कुछ ऐसे कैच पकड़े गए जो क्रिकेट फैंस अब तक नहीं भुला पाए। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड कैचेस। तो एंटरटेनमेंट का बूस्टर डोज आईपीएल शुरू हो चुका है। इन सबके बीच बीसीसीआई ने रविवार को कार्यकारी समिति की आपात बैठक बुलाई है मुंबई में। रविवार को शाम 3 बजे होने वाली इस आपात बैठक में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल से
जुड़े कई मामलों पर चर्चा की जाएगी। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालबिया ने बीसीसीआई के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि बीसीसीआई की छवि को धूमिल होने से बचाना बेहद अहम है, जिसमें पिछले दिनों में काफी गिरावट आई है। कुछ बहुत ही गंभीर मुद्दों पर जल्द से जल्द बातचीत करना जरूरी हो गया था। खेलते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आने वाले फुटबॉल फीवर के साथ, जहां आप देखेंगे स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के टॉप 10 को। नमस्कार। La llovizna es un tormento. Ojo, Messi, Messi lo va a liar. Gol, 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 gol. It's Messi! Mamma mia! A masterpiece from Messi! People, do you take a few more chances here knowing you have the advantage? Messi. On Laure. Messi! Lionel Messi! Barcelona! In the drop! In the top of their footballing tree! Once again! And Lionel Messi is the giant! Digno que juega para Messi, 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 ¡pirata Messi! ¡Gol! ¡Gol! And the chop for the third, he kicks it, and he scores! ¡Gol! Just shakes off the charge, a lovely ball to Messi. This is onside. Leo Messi's going to get his hat trick. 4-1 to Barcelona. Messi answers any doubts there might have been, although of course there aren't. But in terms of the top scoring, it's Messi's free kick. Oh, that's a brilliant little Messi goal. That is world class. That is Messi class. That's above world class, Jerry. It's Lionel Messi. And Messi steps up to the plate just when Barcelona needed it most. For 2 minutes they were behind. Barcelona back in the game, back in the contest. Stuttgart, they get a chance to break, they are committing numbers. It's a good game. Here's Messi. Messi! Who is the best player in the world?